हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 मार्च और 25 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को और कुछ नए प्रश्नों को। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि जो प्रश्न है आपकी सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट उपयोगी है, क्योंकि ये सभी प्रश्न इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं। ये सभी टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सभी परीक्षाओं के लिए। तो पूरे प्रश्नों को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी की पोती का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? इसका आंसर है उषा गोपनी। महात्मा गांधी की पोती और मुंबई के गांधी स्मारक निधि की पूर्व अध्यक्ष हैं ये उषा गोपनी जी रही हैं। इनका मुंबई में निधन हो गया है, 89 वर्षीय जो है, 89 वर्ष की थी ये, और इनका जो है ये पिछले 5 साल से बीमार थी। और गोपनी ने अपना जो बचपन जो है वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में बिताया था, जिसकी स्थापना जो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी की पोती उषा गोपनी जी का निधन मुंबई में हो गया है। चलिए आज के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का प्रश्न है, हाल ही में यूरेशियन ऑटर राज्य के किस जिले के जंगल में पाया गया है? इसका आंसर है कोरबा। विस्तार पर बात करते हैं। 1 मीटर लंबा और 8 किलो वजन का दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर को रेस्क्यू कर रायपुर के जंगल सफारी में लाया गया है। इंटरनेशनल यूरेशियन ऑटर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसकी पहचान नियर थ्रेटेंड या निकट संकट के रूप में की है। दुनिया भर में इसकी 13 और भारत में इसकी 3 प्रजातियां पाई गई हैं, तथा यह संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के रेलवे प्रशासन ने जीरो कार्बन इमिटर सेंटर का लक्ष्य पूरा कर लिया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। विस्तार में बात करते हैं। रेलवे प्रशासन ने छत्तीसगढ़ को शून्य कार्बन उत्सर्जक केंद्र बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है, जिसके तहत ब्रॉड गेज बनाते हुए 1170 किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण हो चुका है। शून्य कार्बन उत्सर्जक होने के कारण राज्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है पर्यावरण अनुकूल परिवहन श्रेणी के उसमें शामिल हो गया है, और जिसे डीजल जो है नहीं जलेगा इसमें आपसे, और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ये जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। तो ये जो है किसके अंतर्गत हुआ है? ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, माँ बागेश्वरी के धाम में किस महोत्सव का आयोजन 26 मार्च 2023 से किया जा रहा है? इसका आंसर है कुदरगढ़ महोत्सव का। विस्तार पर बात करते हैं। सूरजपुर अंचल की अधिष्ठात्री माँ बागेश्वरी धाम में कुदरगढ़ महोत्सव 26 से 28 मार्च तक मनाया जाएगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव में छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति की झलक दिखेगी। साथ ही इस महोत्सव में राज्य और जिले के उभरते कलाकार अपने कला की प्रस्तुति देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ताराचंद स्मृति सम्मान से सम्मानित राज्य के हेमचंद साहू किस आर्ट के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर है सैंड आर्ट के लिए, याद रखिएगा, रेत कला के लिए। विस्तार पर बात करते हैं। रायपुर के समीप तामा सिवनी गांव के हेमचंद साहू छत्तीसगढ़ के एकमात्र रेत कलाकार हैं, तथा उनकी प्रतिभा को अब तक कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके सैंड आर्ट अधिकतम संदेशप्रद होते हैं, और इन्होंने कई विषयों पर लगभग 200 से अधिक कलाकृति अभी तक ये बना चुके हैं, और उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक इनके गुरु रहे हैं, द्रोणाचार्य बने हैं। मतलब इन्होंने सुदर्शन पटनायक जी को गुरु मानकर अपने कला की शुरुआत की थी। चलिए अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किसे सत्ता पक्ष से उत्कृष्ट विधायक के लिए घोषित किया गया है? इसका आंसर है संगीता सिन्हा को। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उत्कृष्ट विधायक हेतु सत्ता पक्ष से संगीता सिन्हा, विपक्ष से रंजना साहू, और उत्कृष्ट जागरूक विधायक हेतु धर्मजीत सिंह को घोषित किया है। साथ ही उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए राहुल जैन व देवव्रत भगत का चयन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, लोक कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उषा बार्ले को पद्म अलंकरण कब प्रदान किया गया है? इसका आंसर है 22 मार्च 2023 को। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 मार्च को उषा बार्ले सहित 54 व्यक्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया है।
इनमें 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री जो है सम्मान है। राज्य की पंडवानी लोक गायिका उषा बार्ले को पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है और इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 106 पद्म अवार्ड्स की घोषणा की थी, उस समय इन्हें भी जो है ये भी जो है इनका नाम भी शामिल था। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे देश में शहीद दिवस कब मनाया गया है? ये आपका राष्ट्रीय संबंधित प्रश्न है, तो इसका आंसर है 23 मार्च 2023 को मनाया गया है। विस्तार में बात करते हैं, शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के 91 क्रम की पुण्यतिथि के अवसर पर 23 मार्च को पूरे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 91वीं पुण्यतिथि है इन तीनों की, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भारत की संसद में भगत सिंह की 18 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा 15 अगस्त 2008 में स्थापित की गई थी। तो फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया है? इसका आंसर है सरबजोत सिंह ने। विस्तार पर बात करते हैं, शूटिंग वर्ल्ड कप के पहले दिन में सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस इवेंट में वरुण तोमर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। 2021 में टीम व मिक्स्ड कैटेगरी में गोल्ड मेडल मुकाबले में सरबजोत ने अजरबैजान के रुस्लान लुनेव को हराया था और शूटिंग वर्ल्ड कप 20 से 27 मार्च 2023 तक भोपाल में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, शूटिंग वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था और गोल्ड जो है किसने दिलाया? सरबजोत सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित करने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है राजस्थान। विस्तार पर बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने विधानसभा में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया है जिससे यह ऐसा विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक के अनुसार राज्य में वकीलों पर हमला करने या डराने धमकाने से दोषियों को 7 साल की जेल व 50,000 तक जुर्माना लग सकता है। इस बिल का उद्देश्य है वकीलों के खिलाफ हमलों, अपराधों और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जो है रोकथाम लगाना। चलिए अगला प्रश्न है, महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हाल ही में कितने भारतीयों ने मेडल जीता है? इसका आंसर है 4 भारतीय महिला ने। विस्तार पर बात करते हैं, 4 भारतीय डिफेंडिंग चैंपियन निखत जरीन, लवलीना बोरगोहाई और नीतू घड़गस और स्वीटी बोरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। निखत लगातार दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतेंगी और निखत ने 50 किलोग्राम और लवलीना ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में मैच जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है महाराष्ट्र ने। विस्तार पर बात करते हैं, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। 13 अप्रैल को लातूर शहर में अम्बेडकर की 75 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अनावरण केंद्रीय मंत्रियों किरण रिजिजू व रामदास अठावले की उपस्थिति में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? इसका आंसर है पंकज आडवाणी ने। विस्तार पर बात करते हैं, भारत के पंकज आडवाणी ने 19 मार्च को कतर के दोहा में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पंकज ने राष्ट्रीय चैंपियन ब्रिजेश दमानी को 5-1 से हराकर लगातार दूसरी और कुल 9वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है उड़ीसा में। विस्तार पर बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एक इंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये शक्तिकांत दास जी ने बताया है इसके बारे में। केंद्रीय बैंक के अनुसार यह संस्थान 18.55 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा तथा आरबीआई व वित्तीय क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर है आसिफ शेख ने। विस्तार पर बात करते हैं, नेपाली विकेट कीपर व बल्लेबाज आसिफ शेख को 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से साल के अंत में सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी यूके द्वारा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के साथ मिलकर प्रदान किया जाता है, यानी एमसीसी और बीबीसी ने जो है द्वारा मिलकर प्रदान किया जाता है इन दोनों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में किस भारतीय संस्थान ने अपनी जगह बनाई है? इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली ने। विस्तार पर बात करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए दुनिया के 50 शीर्ष स्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली शामिल हुआ है। यह सूची क्वाकारेली साइमंड्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 22 सब्जेक्ट 2023 में जारी की गई है, यानी कि क्यूएस रैंकिंग में ये शामिल की गई है, सूची जो है जारी की गई है क्यूएस रैंकिंग द्वारा, और उसमें ये जो है आईआईटी दिल्ली जो है 50 शीर्ष स्थानों में ये शामिल हुआ है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी कानपुर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 87 क्रम पर रहा है और कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रणाली के लिए 96 क्रम पर रहा है आईआईटी कानपुर, और गणित के लिए आईआईटी बॉम्बे 92 क्रम पर जो है रहा है। ठीक है, तो सभी का क्रम याद रख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी कि इसका लाइफ जो है फुल फॉर्म का लाइफ का फुल फॉर्म है मिशन लाइफ फॉर एनवायरमेंट लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे अकेडमी में पीएससी प्री और व्यापम की न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, और इसके साथ ही अन्य बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जैसे कि एडीओ हॉस्टल वार्डन्स। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए जानकारी लेना चाहें तो आप दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर जानकारी ले सकते हैं और या फिर विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स गांधी चौक जूना बिलासपुर में। तो चलिए कल आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।